जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो सीजीपीएससी 2023 का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पहले 189 पोस्ट है, उसके बाद इसमें आए गए हैं, जिससे 210 तकरीबन हो चुका है पोस्ट की संख्या। 210 मतलब इस बार 2023 में सीजीपीएससी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सीजीपीएससी में 210 है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का अलग अलग पोस्ट है। और आपको बताना चाहूंगा कि टोटल 2023 में सीजीपीएससी का एग्जाम दिलाने के लिए 181,000 फॉर्म जमा हुए हैं, है ना। और मतलब समझ सकते हैं आप कितनी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में एस्पिरेंट्स हैं जो कि सीजीपीएससी में जॉब पाना चाहते हैं। और आप जान रहे हैं कि इससे ये भी पता चलता है कि कितना ज़्यादा बेरोजगारी हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। और आपको एक और लेटेस्ट अपडेट अभी बताना चाहूँगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने 26 जनवरी को घोषणा की है कि जितने भी छत्तीसगढ़ के बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन बेरोजगारी भत्ता का जो दर है, कितना रुपए पर मंथ या जो भी है, कितने मंथ में कितने कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बेरोजगार लोगों को, और कैसे जानेंगे कि ये बेरोजगार है या बेरोजगार नहीं है, ये सारी चीज़ों का जो मापदंड है वो क्या है, वो भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा पर बेरोजगार, ये भी डिसाइड नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो लोग बेरोजगार लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बेरोजगारी भत्ता में कितने रुपए पर मंथ आपको चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या ये जो बेरोजगारी भत्ता देने का जो सरकार का घोषणा है भूपेश बघेल का, क्या ये सही है और कितने मायनों में सही है या गलत है, आपके विचार जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में रखिए। और भी लेटेस्ट न्यूज़ और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।